अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तामिल इरशाद के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आप सबका खैर मुकदम है। नाज़रीन, आपको इस वक्त की एक दुख भरी खबर से आगाह कराते हैं। आपको बता दें कि एक ही फैमिली, एक ही कुंबे के चार लोगों की मौत हुई है उधमपुर के अंदर एक सड़क हादसे में। आपको बता दें कि एक फैमिली कार में जा रही थी, वहां पर बताया जा रहा है कि दो ट्रकों के बीच में यह गाड़ी आ गई, जिसके नतीजे में इस गाड़ी में सवार पांच लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए, जिन्हें जीएमसी उधमपुर अगरचे पहुंचाया गया था, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने चार को आते ही मुर्दा करार दे दिया, जबकि एक को वहां पर जो है शिफ्ट किया गया। और आपको बता दें उसकी हालत जो है अभी फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। लेकिन ये भी बता दें आपको, ये जो सड़क हादसा हुआ है सालूरा के नजदीक हुआ है, उधमपुर सालूरा, जहां पर ये बताया जा रहा है कि एक ही फैमिली, एक ही कुंबे के चार अफराद जो थे इस गाड़ी में, उनकी मौत हुई, जबकि एक और जख्मी बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि यह जो हादसा हुआ है, दो ट्रक्स के बीच में यह गाड़ी आई है, और जिसके बाद इनकी बुरी तरीके से वहां पर हम कह सकते हैं कि मौत वाका हुई है। और इसके साथ साथ यह भी बता दें कि हादसा जो ही पेश आया, वहां पर फौरन बाद उन्हें जीएमसी उधमपुर पहुंचाया गया था, लेकिन चार को वहां पर जो है ब्रॉड डेड करार दे दिया गया। वहां पर बताया गया कि ये चारों की मौत हो चुकी है। और यह भी आपको बता दें कि जो एक और जख्मी बताया जा रहा है, उसे जीएमसी जम्मू मजीद इलाज मुआलजा के लिए वहां पर रेफर किया गया। ये भी आपको ये जिन लोगों की मौत हुई है, इनकी जो है शनाख्त भी हुई है, इनके नाम भी आपको बता देते हैं। नितिन डोगरा सन ऑफ मोहनलाल, रितु डोगरा वाइफ ऑफ नितिन डोगरा, खुशी डोगरा डॉटर ऑफ नितिन डोगरा, और एक इसकी जो है इस नितिन डोगरा की एक और बेटी हैं, जो जख्मी बताई जा रही हैं। और आपको बता दें कि जो जख्मी इस हादसे में एक और लड़की हुई है, उसका नाम बृंदा डोगरा बताया जा रहा है, जो कि नितिन डोगरा की जो है बेटी हैं। और आपको बता दें कि एक ही कुंबे के चार अफराद इस हादसे में जिंदगी की जंग हार गए हैं, उनकी मौत हुई है। आपको बता दें ये जो हादसा पेश आया है, क्योंकि ये गाड़ी इनकी जम्मू से उधमपुर की ओर जा रही थी, और उधमपुर में ही सलोरा के नजदीक दो ट्रक्स के बीच यह गाड़ी आती है, जिसके बाद वहां पर ये बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स चार को जो है वहां पर डेड डिक्लेयर करते हैं, जबकि एक लड़की जो है उससे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है दीगर इलाज के लिए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए तामिल इरशाद मल्टीमीडिया।